गुड लाइफ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जिज्ञासु और आज मैं पावर ऑफ क्लैरिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। हमको ये स्पष्ट ही नहीं होता कि हमको क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता कि असल में उसे क्या करना है, क्या बनना है। उसके विचार बदलते रहते हैं, उसके लक्ष्य बदलते रहते हैं, जिसका नुकसान यह होता है कि वह एक लक्ष्य पर, एक काम पर फोकस नहीं कर पाता। यह अंधेरे में अंदाजे से चलने जैसा है। आगे दिखता कुछ नहीं, पर आप चलते जाते हैं। और जीवन में क्लैरिटी आना रोशनी की जैसा है। आपको साफ साफ पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लैरिटी और स्पष्टता को हासिल करने के 7 कदम बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, पहला कदम है, आप अपने जीवन के हर फील्ड में असल में क्या चाहते हैं उसे तय करें। अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा कदम है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। लक्ष्य को लिखने से आपके दिमाग में अपने लक्ष्य की क्लियर पिक्चर छप जाती है। तीसरा कदम है, हर लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो उसे कई भागों में बांटकर सबके लिए समय सीमा बनाएं। चौथा कदम है, लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना होगा इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की लिस्ट बनाएं। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे शामिल करते रहे जब तक कि आप लक्ष्य हासिल ना कर ले। पांचवा कदम है, इस लिस्ट के अनुसार काम करने का प्लान बनाएं। निर्णय लें कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या। तय करें कि क्या ज़्यादा जरूरी है और क्या कम। छठा कदम है, अपने प्लान पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। बहुत से लक्ष्य और प्लान कभी कभी केवल टाल मटोल के कारण पूरे नहीं हो पाते हैं। सातवां और सबसे जरूरी है, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। इसके लिए यहाँ एक अभ्यास है, एक कागज लें, उसके ऊपर बीच में लक्ष्य शब्द को आज की तारीख के साथ लिख लें। अब 10 लक्ष्यों की एक लिस्ट बनाएं जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को आज ही लिखें। जब आप अगले साल के लिए 10 लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को समाज के 3% लोगों में शामिल कर लेंगे। दुख की बात यह है कि 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं। 10 लक्ष्य बनाने के बाद एक बार इस लिस्ट को देखें और इन सवालों को खुद से पूछें। इस लिस्ट का कौन सा लक्ष्य अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो आप जो भी हो उस लक्ष्य पर टिक मार्क लगा दें, उसे पहले स्थान पर रख दें। अब यह आपके भविष्य का सबसे जरूरी लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं कि ये किस तारीख तक हासिल हो जाना चाहिए। प्लान बनाएं और आज ही काम शुरू कर दें और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। अब से उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें और बात करें। सोचें कि वो लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्ष्य को असलियत में बदलने के लिए ले सकते हैं। ये अभ्यास आप में स्फूर्ति लाएगा और आपके जीवन में क्लैरिफिकेशन लाएगा। दोस्तों, अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, साफ होगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। ये एक रोशनी की तरह होगा, आपको अपनी मंजिल की ओर रास्ता साफ साफ दिखेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल जिज्ञासु नॉलेज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा एक भी नॉलेजेबल वीडियोज को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव एन ऑसम लाइफ।